अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को आप एक्टिव कर ले, जिससे मेरे चैनल पे सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप मेरे वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं cmarohanasarma.in, जहाँ पर आपको CMA से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप CMA कर रहे हो या फिर आपने CMA क्वालिफाई कर लिया है एंड आप जानना चाहते हो कि आप मेंबरशिप कैसे ले सकते हो, क्या प्रोसीजर है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है मेंबरशिप के लिए, आपके ट्रेनिंग की एक्सपीरियंस काउंट होगी कि नहीं मेंबरशिप के लिए, तो सारी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन ये वीडियो है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दे, जिससे सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। सो मैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, आप CMA इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने के लिए आपके पास 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैसे इंस्टीट्यूट काउंट करती है। सो आपके जो प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होती है, इट मीन्स जो आपने एज ए ट्रेनी काम कर रखा है, वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है मेंबरशिप के लिए। इसके अलावा मैक्सिमम बच्चे 15 से 18 महीने की ट्रेनिंग करते हैं एंड उसके बाद CMA फाइनल के एग्जाम देते हैं, CMA क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपके जो प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस थी प्लस जो रिमेनिंग बच गया 3 इयर्स में से आप माइनस कर दो जो आपने पहले किया है, और उस रिमेनिंग टेन्योर अगर आपने ऑलरेडी काम कर लिया है 1 साल 2 महीने या 1 साल 5 महीने 1 साल 8 महीने जितने भी आपने काम किया, उस अकॉर्डिंग दोनों एक्सपीरियंस को आप मिला के आप काउंट कर लो कि आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो रहा है या नहीं प्री प्लस पोस्ट। अगर हो रहा है तो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इंस्टीट्यूट के साइट पे। इनिशियली आपको 2000 का पेमेंट करना पड़ता है मेंबरशिप के लिए फर्स्ट ईयर में एंड प्लस 18% ऑफ GST आपको पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, एंड जो नेक्स्ट ईयर से आपको 1000 प्लस 18% ऑफ GST आपको इंस्टीट्यूट को पे करना रहता है। इसके अलावा आप पहले ACMA बनते हो, ACMA बनने के फर्दर 5 ईयर्स बाद आप FCMA के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो फेलो मेंबरशिप होता है। ये मेंबरशिप के दो ही लेवल है, ACMA एंड FCMA। इसमें अलग अलग राइट्स होते हैं एंड अलग अलग पावर्स भी होते हैं ACMA एंड FCMA के पास। सो उस चीज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।